आज हम हैं मुमरा पुलिस स्टेशन के जो एक आरपीएफ का ऑफिस है, और यहाँ पर आज हम इसलिए मौजूद हैं कि अक्सर मुंबई शहर के अंदर जो भी पुलिस का डिपार्टमेंट है, हम ये अक्सर सुनते आए मीडिया के माध्यम से कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो गुंडागर्दी है, पुलिस का जो भ्रष्टाचार है और पुलिस कहीं ना कहीं गलत करती है, ये सारे सब्जेक्ट हम सुनते चले आए हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर बात करेंगे, आज 3 दिन पहले एक मुमरा प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर जो एक लेडीज़ स्पेशल ट्रेन कल्याण से सीएसटी के लिए निकलती है और वो 8:15 पर मुमरा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचती है, और वहाँ पे जो एक दुर्घटना घटी, एक महिला जो ट्रेन के डब्बे से पैर फिसलने के कारण नीचे गिरने की स्थिति में थी, जान भी जा सकती थी, उसकी जान को बचाने के लिए वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद एक सिपाही हसन पटेल नाम का जो वहाँ मौजूद था, उसने अपनी जान पे खेल के उस महिला की जान को बचाया। आज हम बात करेंगे हसन पटेल जी से कि किस तरह से आपने उनकी जान को बचाया। हसन पटेल जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो महिला जब ट्रेन में चल रही थी तो आपको कैसे पता चला कि वो गिरने ही वाली है, जो आपने लपक करके उसको बचाने की कोशिश की? जब उस लेडीज़ को मैं देखा तो सामने नज़र आई कि उसका एक पैर नीचे आ गया था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो लेडीज़ गिरकर पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच में आ सकती है, इसलिए मुझे सोचा कि उसे अगर मैं नहीं खींचा तो वो उसकी जान भी जा सकती थी, इसलिए मैं तुरंत उसे बाहर लिया और उसे सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश किया और मैं निकालने में कामयाब रहा। हसन पटेल जी, हमने ये भी सुना है कि उस समय आप रोज़ा रखे हुए थे, और जिस तरीके से आपका हसन नाम है, हसन हुसैन का एक बहुत बड़ा मर्तबा है, उन्होंने करबला के मैदान में हसन हुसैन के नाम को जिस तरह से ज़िंदा रखा, उस नाम को आपने ज़िंदा रखा पुलिस फोर्स में होने के बाद में, किस तरह की आपकी जो एक ड्यूटी होती है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आप जब ड्यूटी पर जाते हैं तो आपको ब्रीफिंग दिया जाता है, किस तरह की कि एक आपको यहाँ पर जो सिखाया जाता है वो क्या होता है? यहाँ पर ड्यूटी में जाने के पहले ब्रीफिंग में यह दिखाया जाता है कि हमारे अधिकारी द्वारा कि पीक आवर में विशेष करके महिला स्पेशल में ये गाड़ियों पे ध्यान देना चाहिए, जो भी अगर कोई ऐसी घटना घटती है ट्रेन में उसे तुरंत जल्द से जल्द करने की कोशिश की। इस तरह इसके लिए हमारे को विशेष करके ज़्यादातर मार्गदर्शन किया जाता है कि ब्रीफिंग आवर में पीक आवर में ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज स्पेशल पर ध्यान दें और उसे जहाँ भी कुछ घटना हो सके तुरंत जाके उसे सुरक्षित करने की कोशिश करें। और भी एक सिपाही हमारे यहाँ पर साथ में, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हसन पटेल जी ने जिस तरह की बातें की है कि इस तरीके का ट्रीटमेंट हमको यहाँ पे पुलिस फोर्स की तरफ से दिया था, सीनियर की तरफ से जाता था, ये क्या रियल है क्या ऐसा? ये सब रियल है जो बताया गया है हसन पटेल ने। ड्यूटी आवर्स में हमारा फर्स्ट काम रहता है कि स्टेशन पर लेडीज़ तथा सबकी सुरक्षा की जाए। जिस तरीके से पुलिस के सिपाहियों ने बात की है कि जो हमारी ड्यूटी है, वो जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभाते हुए अपनी जान की परवाह ना करते हुए हसन पटेल ने अपनी जान को बाजी लगाई और उस महिला को बचाया। हसन पटेल जी, एक दूसरा मैं सवाल आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या इस जो घटना घटी और आपने जो कार्य किया, इसकी जानकारी क्या आपके वरिष्ठ अधिकारियों को भी है क्या? हाँ, मेरे सीनियर द्वारा उसे मेरे वरिष्ठ को भी इसके बारे में जानकारी दी गई। तो वरिष्ठों ने क्या ये जो आपने इतना अच्छा काम किया इसको बुला करके आपको कुछ शाबाशी वगैरह दिया है क्या? हाँ, इसके लिए मुझे मेरा सम्मान भी किया गया, प्रशस्ति पत्र दिया गया प्रशासन की तरफ से। प्रशासन की तरफ से जैसे ही वरिष्ठ अधिकारियों को पता चला, प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने उनको बुला करके शाबाशी दी है, पूरे स्टाफ को शाबाशी दी है और एक प्रशस्ति पत्र जिसको कहते हैं वो भी गया। और दूसरे हमारे यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर उप निरीक्षक AK यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं, हम यादव जी से बात करेंगे कि क्योंकि आप इस पूरे पुलिस स्टेशन को संभालते हैं, किस तरह की प्रिकॉशन और किस तरीके का ट्रीटमेंट आप जब सुबह ब्रीफिंग होती है तो अपने जो कंसर्न अधिकारी हैं, जो सिपाही हैं, उनको किस तरीके से आप करके भेजते हैं? जब ड्यूटी पे हम मॉर्निंग में आते हैं तो अपने स्टाफ को स्पेशली ब्रीफ करते हैं कि ड्यूटी संबंधित कैसे एक्टिविटी करनी चाहिए, पब्लिक की सुरक्षा और संरचना हमें किस तरह से करनी चाहिए। खासकर पीक आवर में हम अपने स्टाफ को स्पेशली ब्रीफ करते हैं और स्पेशली महिला कोच को कवर करने की हम उनको सजेशन देते हैं, और जैसा कि हमारे स्टाफ ने किया है। और हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हम यूनिफॉर्म फोर्स होके और ऐसा किए हैं, हमें बहुत ही सहानुभूति है सबके साथ में और ये अच्छा लगा। AK यादव जी, दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जिस तरीके से ये जो कार्य हुआ है इसकी चर्चा काफ़ी चल रही है और बड़े अधिकारियों ने भी उनको बुला करके जो एक शाबाशी दी है, तो आपको भी कुछ शाबाशी बड़े अधिकारियों ने दी है क्या?
हाँ, हमें समय समय पर शाबाशी मिलती रही है। हम हमारे काम को ध्यान देते हैं। जब जिस दिन हमने यूनिफॉर्म पहना था तभी हमने एक शपथ लिया था कि पब्लिक की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। हमें समय समय पर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमें प्रोत्साहन मिलता रहा है, जिसकी हमें खुशी है। और हमारे स्टाफ को भी, हमारा स्टाफ का मनोबल बढ़ता है कि हमारा विभाग हमें समय समय पर हमारे उत्कृष्ट कार्यों के लिए हमें पुरस्कृत करता रहा है, शाबाशी देता रहा है। एके यादव जी ने जिस तरह से बात की है कि समय समय पर जब भी कभी ऐसा अच्छा कार्य हमारे अधिकारियों ने किया, हमारे सिपाहियों ने किया है, वरिष्ठ अधिकारियों को जैसे ही इसकी खबर मिलती है वो इनको बुला करके अपने ऑफिस में शाबाशी देते हैं, इनका मनोबल बढ़ाते हैं। ये बहुत ही सराहनीय काम जो इन्होंने किया है। और ये पूरे मुंबई पुलिस, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट से हो, सिटी पुलिस से हो, चाहे अदर कोई डिपार्टमेंट हो, एक मिसाल अपनी सुरक्षा, जैसे हम सुरक्षा रक्षक बनकर के आए, रियल मायने में जो रक्षा करने का कार्य इन्होंने किया है। हमसे बात करने के लिए एके यादव जी धन्यवाद।